हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो लेक्चर्स पुराने होते जा रहे हैं, आप उनको पढ़ते जा रहे हैं बेटा, और उनको आप अच्छे से याद भी करते जा रहे हैं। मेक इट अ पॉइंट, ये एनिमल किंगडम बेटा एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आज आप इसको जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उसको वैसे वैसे अगर आप याद ना करें तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर साथ ही साथ याद नहीं हुआ ना तो बेटा एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है आपके लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। दिस चैप्टर इज एक्चुअली चैप्टर विच स्टार्ट्स विद द बेसिक्स और कंसेप्ट्स ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, सिमेट्री क्या होती है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और फिर बॉडी प्लान्स कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोमिक ड्यूटेरोस्टोमिक क्या सब होते हैं। तो ये सब बातें जो है ना बेटा, वो सब बातें आपको याद करनी है और उससे पहले आपको समझनी भी है। लेकिन जो यहाँ पर हम इंडिविजुअल फाइलम्स को स्टडी कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल फाइलम्स को स्टडी करते करते जितने जनरल फीचर्स हैं, इन जनरल फीचर्स पे ना बेटा बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि ये चार आपको फीचर्स दिए, मैं बताओ ये चारों फीचर कौन से वाले फाइलम के। दैट मीन्स हर फाइलम को लेके जो जनरल फीचर्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। समझ गए आप मेरी बात। एक ये तो बेटा हमें बात समझ तो आती है कि हमें याद तो करने पड़ेंगे, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ और इस ट्रिक को समझो। अगर आप ये जितना भी स्टडीज़ कर रहे हो ना एनिमल किंगडम की, तो आप क्या काम करेंगे, आपको इन वीडियोस के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ आपको एनिमेशन वीडियोस का भी लिंक मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे। अब इन एनिमेशंस का जो आपको लिंक मिलेगा तो यहाँ से एनिमेशन को कम से कम 5 से 6 बार देखें, और एनिमेशन जो वहाँ पे दिखा रखी है ना उसको अपने जहन में जस्ट स्टिक इट इनटू योर माइंड। ऑल्सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रीड अबाउट एनी पर्टिकुलर फाइलम, उसका एक ना ऑर्गेनिज्म, एक सैम्पल ऑर्गेनिज्म दिमाग में बिठा लो। और जितने भी स्टडीज़ है ना बेटा, उन स्टडीज़ को आप कैसे करेंगे, उनको इमेजिनेशन तरीके से करते रहेंगे। याद रखना, आई वॉज रीडिंग दिस बुक, तो मैंने मेमरी चैम्पियनशिप्स के बारे में पढ़ा और समझा। तो जितना भी वर्ल्ड मेमरी चैम्पियनशिप्स होती है ना, तो मेमरी चैम्पियंस की एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या होती है, वो कहते हैं कि हमें कुछ भी याद करना है ना, हम उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छे से इमेजिन करते हैं। क्योंकि ये जितना लिखा हुआ पोर्शन होता है ना बेटा, ये ना इंसान को याद रहने की टेंडेंसी नहीं है, ये एक इंसान दिमाग की ही ऐसी बनावट है। दैट द ब्रेन डज नॉट हैव और ब्रेन डज नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर द थिंग्स विच आर रिटन ब्लैक एंड व्हाइट, इसीलिए पहली बार आपके नोट्स में आपको इतने कलरफुल बना के देता हूँ। ऑल्सो अगर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में जैसे आप अपनी कॉपीज में लिखते हैं, तो उनको रिटेन करना, उसको दिमाग में बिठाना ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जितना भी ज़्यादा आप इस लेक्चर के जो PDF है इसको आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, इसमें जो मैं आपको फोटोज देखता हूँ उसको मल्टीपल टाइम्स देखिए, आप जितना ज़्यादा बेटा आप करेंगे ना, आपको रियलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा आपको बायो समझ आ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ SQL mins की, तो SQL mins को पढ़ने के लिए आप अपने दिमाग में लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक ऑर्गेनिज्म को ना दिमाग में बिठा लो, वो क्या है, राउंड वर्म। अगर आपने राउंड वर्म को अपने दिमाग में बिठा लिया ना, आपका SQL mins आपको ना बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि सारी इमेजिनेशन जो मैं फीचर्स बता रहा हूँ वो राउंड वर्म को लेके करोगे। समझे, जिस तरीके से प्लैटीहेल मिंथीज में आप ले लो, आप टेप वर्म को इमेजिन कर लीजिए। अब अगर आप नाइडेरिया की बात करो, आप हाइड्रा को लेके और जेलीफिश को, पॉलिप के लिए हाइड्रा को आप अपना पैटर्न मान लो और मेड्यूसा के लिए जेलीफिश को। अगर आप स्पॉन्जेस कर रहे हैं तो कोई भी स्पॉन्ज को अपने दिमाग में बिठा लो। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास बेनिफिट ये होता है ना बेटा कि आपको चीज़ों को समझने में और सबसे बड़ी बात उनको रिमेंबर करने में सही डिटेल्स के साथ बहुत आसानी हो जाती है। ऑल्सो जो इसके साथ मैं एनिमेशन वीडियोज़ दे रहा हूँ ना, इसको आप 3 से 4 बार देखेंगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स जो हैं बेटा वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। समझिए, और पढ़ते पढ़ते ट्राई टू मेक बेटा शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स जो ये जो वीडियोज़ है ना, इनमें से भी ये जो आपको रिटन फॉर्म में जो नोट्स मिल रहे हैं, इनमें से भी आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे चलते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। समझिए, तो आओ चलो हम स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को, इस लेक्चर को। लेक्चर में सबसे पहले SQL mins की बात करनी है बेटा, और यहाँ पे हेलमिंथ वर्ड आपके पास आ रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, हेलमिंथ अगर आपके पास वर्ड आ रहा है, और हेलमिंथ का मतलब ही ये है कि आप एक वर्म की बात कर रहे हो। SQL mins जो होते हैं ना बेटा, इनको हम ना जनरली राउंड वर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स। क्यों, क्योंकि जो प्लैटीहेल मिंथिस था वो प्लेट लाइक था, पतला था, एकदम पतला, एकदम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड था। कौन, प्लैटीहेल मिंथिस। लेकिन ये कैसे है, ये बेटा इस तरीके से एक रॉड की तरह, एक एक सर्कुलर, आप दिख रहे हैं जैसे इस तरीके से एक पेंसिल, एक को पेन को देख लो, पेंसिल को देख लो, कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही दिखाई देते हैं। क्लियर, तो चलिए देखते हैं NCERT क्या कहती है। ये कहता है NCERT, द बॉडी ऑफ SQL mins इज सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे वर्ड सीखते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये वर्ड क्या है बेटा, सेक्शन, ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं कभी भी बेटा जिंदगी में ना बर्ड वर्ड बायो में सेक्शन यूज करता हूँ, तो सेक्शन मतलब आफ्टर कटिंग अ टिश्यू, मैं किसी टिश्यू को कट कर दूं, तो जो मुझे चीज दिखाई देगी उसको मैं क्या कहूंगा, क्रॉस सेक्शन। समझ गए? तो सेक्ट करना, सेक्ट वर्ड जो हुआ सेक्ट, सेक्ट का मतलब होता है पार्ट। ओके? तो जब मैं किसी चीज को काट दूंगा तो उसका एक हिस्सा निकल आएगा ना, उसका एक पार्ट निकल आएगा, तो वहीं से वर्ड आया सेक्शन। क्लियर? तो अब मैं जब इस चीज को देखता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, तो आप इसको सामने से जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो क्या आपको एक सर्कुलर आउटलाइन दिखाई दे रही है? यस, इसको हम कहते हैं ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन निकलता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेन लीजिए और पेन को इस तरीके से ओपन अप करो, और पेन को बेटा समझ लो कि आपने पेन को काट दिया, तो क्या आपको यहाँ पे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रही है? एग्जैक्टली यस, जैसे आपको ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, वैसे ही अगर आप एक एस्केलमेंट को इस तरीके से काटते हैं, आपने क्या किया, एस्केलमेंट को लिया, काट दिया, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, क्योंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है बेटा, इसलिए इनका नाम हम कॉमन नाम क्या रख देते हैं, राउंड वर्म्स। ओके, ये राउंड वर्म्स मे बी फ्री लिविंग, यहाँ पे इसकी हैबिटेट की बात कर रहे हैं, पहले हैबिट, फ्री लिविंग हैबिट की बात किया, एक्वाटिक हैबिटेट, पानी में रह सकता है, जमीन में रह सकता है, और दूसरा एक और हैबिट की बात करिए, पैरासिटिक, यानी हैबिट इट कैन बी फ्री लिविंग, यानी हर एस्केलमेंट एक पैरासाइट हो जरूरी नहीं है, कुछ एस्केलमेंट्स बिल्कुल फ्री लिविंग हो सकते हैं और कुछ पैरासाइट होते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, दे डोन आर नॉट पैरासाइट ओनली ऑन एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल दोनों को पैरासिटाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा ना बेटा, जो एनसीईआरटी ये है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड अगर आपने समझ लिया, आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें क्लियर हो गई। सिमेट्री कैसे होगी, दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर्स कैसे बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सीलोम कैसा है इनके पास, पहली बार बॉडी में यहाँ पे सीलोम बनना शुरू हुआ है। एनिमल किंगडम की पूरी हिस्ट्री में आपने पॉरीफेरा से प्लैटीहेलमिंथिस तक देख लिया, सब एसीलोमेट, यहाँ पे सीलोम है, चाहे वो नकली है डजंट मैटर, बट है तो है सूडो सीलोमेट एनिमल्स। याद करो बेटा सूडो सीलोमेट क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। सूडो सीलोमेट हमें समझाता है कि बॉडी में कैविटी तो है, लेकिन द कैविटी इज नॉट लाइंड बाय, नॉट सराउंडेड बाय व्हाट, मेसोडर्म। That means, if the body contains a cavity, yes, but the cavity is not surrounded by the mesoderm, such a cavity is termed as, क्या कहते हैं ऐसी cavity को हम लोग, क्या कहते हैं ऐसी cavity को हम, pseudocoelom term कहते हैं। समझे? Very nice. Elementary, अब इनके अंदर body plan कैसा है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अगर ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, तो दैट मीन्स बॉडी के पास टू ओपनिंग्स हैं, वन इज माउथ एंड दूसरा अदर इज एनस। तो बेटा अगर समझो इस बात को, अगर बॉडी में दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हुआ, कंप्लीट हुआ ना, तो एलिमेंट्री केनाल इज कंप्लीट। क्लियर? विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स जो आपके पास थ्रोट वाला एरिया होता है ना, उसको फेरिंग्स कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है, इसका जो फेरिंग्स होता है ना, वो बहुत ही मस्कुलर, बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, तो बाहर से ये कुछ भी अंदर कंज्यूम करेगा तो फेरिंग्स की मदद से उसको नीचे की तरफ भेज देगा, नीचे यानी एलिमेंट्री ग्लैंड में लोअर एरियाज की तरफ भेज देगा। द एक्सक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। कहने का मतलब क्या है कि शरीर के अंदर एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होगा, और एक्सक्रीटरी ट्यूब के एंड पे यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक्सक्रीटरी पोर। ये बात आप समझे बेटा, यहां पे आपके लिए एक फैक्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कहूं किसी ऑर्गेनिज्म पे यहां पर है माउथ, बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और दूसरा है एनस। क्लियर? इसके साथ साथ बॉडी के अंदर आपके पास एक अलग ट्यूब हो सकती है, इस तरीके से बॉडी के अंदर, वो इस तरीके से ट्यूब बॉडी के अंदर घूम रही है, समझ लो। ये आपके पास हाइपोथेटिकली, ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको एक आइडिया के लिए फिगर दिखा रहा हूँ। तो ये वाली क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब है, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब का रियर एंड क्या हुआ, एक्सक्रीटरी पोर। ये आप बात समझे, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा है एनस एंड एक्सक्रीटरी पोर अलग भी हो सकते हैं, राइट? ऑल्सो एक और चीज समझो, कभी कभी क्या, समटाइम्स मैं कभी कभी की बात कर रहा हूँ, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में
जो आपके पास एनस, या इसको ऐसा कहना चाहिए एनल ओपनिंग, क्या पहला एनल ओपनिंग, दूसरा यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग, क्या बोला बेटा मैंने, यूरिनो जेनाइटल, यूरिनो जेनाइटिक दैट मीन्स यूरिनो, अगर मैं चलो इसको और दोबारा से थोड़ा सा और सेपरेट कर देता ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, एक्सक्रीटरी ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग। समझाता हूँ मैं आपको कैसे बेटा, एनल ओपनिंग जहाँ से इजेस्टिव वेस्ट, कौन से इजेस्टिव, अनडाइजेस्टेड फूड वाले वेस्ट जहाँ से बॉडी से बाहर निकलेंगे वो अपने पास क्या बन जाएगी, एनल ओपनिंग। ओके, जहाँ से बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होगा वो एक्सक्रीटरी ओपनिंग, और जहाँ से बॉडी से गैमेट्स बाहर निकलेंगे वो आपके पास कौन सी, जेनाइटल ओपनिंग होगी, या तो गैमेट्स बॉडी से बाहर निकल रहे हैं या फिर गैमेट्स बॉडी के अंदर आ रहे हैं। समझे मेरी बात, क्लियर। सो अगर बेटा ये तीनों ओपनिंग्स आर कॉमन, या फिर कहता हूं ये तीनों ओपनिंग्स हैव अ कॉमन, हैव कॉमन एरिया, यानी ये तीनों ओपनिंग्स एक ही जगह हैं, कहने का मतलब कैसे हुआ, एक ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग यहां से आ रही है, तीसरी ओपनिंग यहां से आ रही है, उनका एक कॉमन एरिया बन रहा है, और ये कॉमन एरिया ये बॉडी से बाहर निकल रहा है, ये कॉमन एरिया यहां से बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो बेटा इस कॉमन एरिया को हम क्या टर्म करते हैं, इसको टर्म करते हैं क्लोका, क्लोएका नहीं, इसको कहते हैं क्लोका, समझे। तो क्लोका क्या है, जहाँ पे एनल ओपनिंग, जहाँ पे एक्सक्रीटरी ओपनिंग और जहाँ पर जेनाइटल ओपनिंग्स हैं। अपनी वीडियो यहीं पे पॉज करो, ये वाला फैक्ट आपको अपने नोट्स में ऐड करना है ड्यूरिंग वॉचिंग द वीडियो। समझे मेरी बात, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कहते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस ऑर्गेनिज्म के पास क्लोका की प्रेजेंस है, अभी हम बेटा थोड़ी देर में देखेंगे, हमें वहां पे आइडिया लगेगा। ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मींस मेल अलग फीमेल अलग है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेक्सेस आर सेपरेट है, डायोशियस हुआ मोनोशियस हुआ, क्या बोलोगे, डायोशियस या मोनोशियस। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सेस सेपरेट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डायोशियस, यहाँ पे देखा ना आपने डायोशियस, या फिर डायोशियस के साथ साथ बेटा हम वर्ड क्या दूसरा यूज कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल, समझे, नहीं बाइसेक्सुअल नहीं, सॉरी यूनिसेक्सुअल, क्लियर। यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, अब अच्छे से देखते हैं, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं इन ऑर्गेनिज्म में तो फीमेल्स का जो साइज होता है, क्योंकि मेल फीमेल देखने में तो अलग है, तो देखने में कैसे अलग दिखाई देती है, फीमेल्स जो होती हैं उनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है और जो मेल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है। फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन द मेल्स। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसी है बेटा, इंटरनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, यानी कुछ में डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी और कुछ में इनडायरेक्ट होगी, समझे, क्लियर। एग्जांपल एस्कारिस, वेरी कॉमन नेम, राउंड वर्म आपको याद रखना है, वुचर एरिया, इसको कहते हैं वुचर एरिया, फिलारिया फॉर्म, एनकाइलोस्टोमा, हुक वर्म, समझे, क्लियर। अब पढ़ते हैं बेटा हम अपने नोट्स, नोट्स में सबसे पहले आप लोग याद करेंगे हमने कैसे याद किया था, हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मेरे साथ साथ बोलते रहना बिना देखे, कीप्स बॉडी इन सिमेट्री एंड जर्म्स अवे फ्रॉम हॉलो हैबिटेट। दोबारा बोलो, हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कीप्स बॉडी इन सिमेट्री एंड जर्म्स अवे फ्रॉम हॉलो हैबिटेट, डन। तो हैबिट वो रहता कैसे है बेटा, ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड पैरासाइट भी हो सकता है, एंड यस अगर ये पैरासाइट्स होते हैं तो ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं यूजुअली। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर थी, फिर टिश्यू लेवल थी, फिर ऑर्गन थी, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आप पैटर्न देखते जा रहे हो, पहले सिंपल था धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता गया। एनिमल किंगडम की ना बेटा सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, अब आपको ना इस चैप्टर में पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, कैसे देखोगे, आप एनसीईआरटी खोलोगे, लास्ट वाला पेज खोलोगे और आपको यहाँ येलो कलर का एक लंबा सा चार्ट दिखाई देगा, आपको सिमेट्री का पैटर्न दिखाई देना शुरू करेगा, आपको ये सारा का सारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी प्लान का, ये आपको पैटर्न दिखाई देगा। वंस यू लुक एट द पैटर्न, अंडरस्टैंड द पैटर्न, चीज़ें ना आपको समझ आ जाएंगी, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डन।
नेक्स्ट न्यूट्रिशन, बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, याद करो मैंने आपको बताया था इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसका जो फेरिंग्स है वो कैसा है, मस्कुलर। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन अपने मस्कुलर फेरिंग्स की मदद से बाहर से सामान जल्दी से अंदर डाल लेता है और बॉडी के अंदर भेज देता है डाइजेशन के लिए, समझे। या फिर एंडोपैरासाइट हुआ, सिंपल बॉडी प्लान बेटा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, दैट मीन्स हमें मालूम है ना ट्यूब विद इन अ ट्यूब का स्ट्रक्चर। आपको ये कंसेप्ट जो बेटा यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपके एकदम जहन में, दे शुड बी दी रियली अ पार्ट ऑफ ए परमानेंट मेमोरी, एकदम याद होना चाहिए। अगर ये नहीं आते आपको एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 1 दोबारा देखना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। नेक्स्ट सिमेट्री, सिमेट्री इसमें कैसी होती है बेटा, बाइलेटरल, नाइस। जर्म लेयर्स, कितनी जर्म लेयर्स हैं यहाँ पे, 3, और जब 3 जर्म लेयर्स होती हैं तो हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जर्म लेयर्स का नाम बोलो, व्हाट आर दी 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला जर्म लेयर कौन सा होता है बेटा, कौन सा, एंडोडर्म, राइट। अब यहाँ पे एक नया गेम हमारे लिए यहाँ पे डेवलप होता है कि जर्म लेयर्स तो थी यहाँ पर, चलो क्वेश्चन, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन देखा आपने, कौन सा, सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म था प्लैटीहेलमिंथस, राइट। अब ये दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और इसके बाद जितने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब पहली बार बॉडी में सिलोम कहाँ दिखा, क्या आंसर करोगे, एस्केलमिंथस। क्वेश्चन में किसी ने तो नहीं पूछा कि ट्रू सिलोम या फॉल्स सिलोम, वी डोंट केयर, क्वेश्चन वॉज अस्ट, फर्स्ट टाइम सिलोम वॉज फाउंड इन एस्केलमिंथस, दो सिलोम इज स्यूडो सिलोम, तो हमें यहाँ पे पता लगता है बेटा सिलोम कैसा है, स्यूडो सिलोम, समझे, क्लियर। स्यूडोसीलोम कैसा होता है, इस बात का मैं आपको बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ कि बेटा सीलोम को देखने के लिए आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो एनसीईआरटी का ये डायग्राम, यहाँ पे एक्टोडर्म है, बीच में एंडोडर्म है, और यहाँ पे ये खाली स्पेस है, क्योंकि खाली स्पेस के अंदर और बाहर वाले एरिया में जहाँ पे डार्क होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस दो एरिया में देर इज नो मेसोडर्म, हेंस दिस सीलोम इज स्यूडोसीलोम, समझे मेरी बात, कैसा सीलोम होगा, स्यूडोसीलोम। ये आपके पास, जैसा आपके पास सीलोम है, यहाँ पे मैं ब्लैक से बेटा अगर मैं मेसोडर्म बनाता हूँ तो यहाँ पे ये खाली कैविटी सीलोम, देखो इसके अंदर वाली तरफ और बाहर वाली तरफ दोनों तरफ आपको मेसोडर्म मिल रहा है, सो दिस सीलोम इज अ रियल सीलोम, एंड स्यूडोसीलोम कैसा होगा, जहाँ पे ये वाली ब्लैक वाली लाइनिंग नहीं होगी, समझे, ये ब्लैक वाली कवरिंग्स नहीं होती, ऐसे सीलोम को बेटा हम टर्म करते हैं स्यूडोसीलोम। Well, वापस आते हैं और हम यहाँ पे अपना पूरा का पूरा पैटर्न देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। हैबिटेट बेटा एक्वाटिक, पानी में मिल सकते हैं, वाटरी हैबिटेट्स और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स दोनों जगह मिल सकता है, कौन, एस्केलमिंथीज। एस्केलमिंथीज के लिए कॉमन नेम एनसीईआरटी ने क्या बताया, राउंड वॉर्म। करते हैं आगे स्टार्ट, एनसीईआरटी तो बेटा हमने यहाँ पे देख लिया, बॉडी वॉल देखते हैं। अब इनका जो बॉडी वॉल है, ये जो एस्केलमिंथीज होते हैं ना बेटा, ये मूवमेंट शो कर सकते हैं बॉडी में, ऐसे ऐसे बॉडी मोटी है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शो करने के लिए बॉडी में आपको मसल लेयर चाहिए होगा ना, इसीलिए बॉडी वॉल मस्कुलर लेयर में होती है, बॉडी वॉल के अंदर मस्कुलर लेयर है। ऑल्सो अगर ये वाइट पेन आपको एस्केलमिंथीज दिखाई दे रहा है, इस वाइट पेन के जस्ट ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, क्या होगी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, एक ऐसी कवरिंग जो इस ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पड़ी हुई डिग्रेडिंग चीज़ें, एंजाइम्स, एसिड्स, एल्कलीज, ये जितना भी चीज़ जो इसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकता था, तो उससे बचाने के लिए इस एस्केलमिंथीज ने बेटा अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या टर्म करते हैं, क्यूटिकल, समझे। तो सुपरफिशियल कवरिंग ऑफ क्यूटिकल इज प्रेजेंट विच रेजिस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्यों बेटा, पैरासाइट है ये ऑर्गेनिज्म, इसमें से यस कुछ पैरासाइट हो सकते हैं, तो जो पैरासाइट है वो एंडोपैरासाइट है, यस, जैसे एस्कैरिस। एस्कैरिस आपके लार्ज इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में बैठता है। अगर आपके इंटेस्टाइन में बेटा एस्कैरिस है, तो एस्कैरिस क्या काम करेगा, इंटेस्टाइन में है, तो इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूसेस तो बना सकता है, तो एस्कैरिस अगर इसके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग ना हो, तो इसके डाइजेस्टिव जूसेस तो इंसान के मर जाएगा। तो एस्कैरिस अब अपने आप को बचाना चाहता है, तो ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रखेगा, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बेटा क्या है, क्यूटिकल। तो समझे, जनरल फीचर्स आपको क्लियर हुए, दूसरा आपको क्लियर हुआ इसकी बॉडी वॉल एग्जैक्टली कैसे टाइप की है, डन बेटा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, इसका फिजियोलॉजी यानी बॉडी में इंटरनल प्रोसेसेस जो होते हैं, फिजियोलॉजी वो कैसी है।
देखो बेटा, फिजियोलॉजी अगर आपको याद करनी है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आप खुद बॉडी से इमेजिन करो। आपने खाना खाया, कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव। सांस लिया, कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। चले, कौन सा सिस्टम? कौन सा? लोकोमोशन। आप चलने के लिए बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना है, एक स्ट्रेंथ देनी है, आपको बोन्स मसल्स चाहिए, स्केलेटल सिस्टम हो गया आपके पास, समझे मेरी बात। दिमाग से सोचना है, कौन सा वाला सिस्टम हो गया? नर्वस सिस्टम। बॉडी ने रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बॉडी के अंदर ब्लड घूम रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। खाना खाया था, उसके साथ साथ इतने सारे आपके पास बॉडी ने कंज्यूम किया, तो बॉडी को डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी, एक नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट तो करना है, तो कौन सा वाला सिस्टम होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, समझे? यस। यहाँ पे सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन। क्योंकि बॉडी प्लान कैसे है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो बेटा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। यस। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है, और फेरिंग्स की वजह से ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है? कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा? होलोजोइक। ये आपको समझ आया? वेरी नाइस। अब एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ध्यान से मेरी बात देखना, एनसीईआरटी ने क्या बोला था? एन एक्सक्रीटरी ट्यूब इज प्रेजेंट विच टर्मिनेट्स विद द एक्सक्रीटरी पोर। ओके, अपना यहाँ पे आप जरा स्ट्रक्चर को, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। समझे कैसे क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ पर बेटा ड्रॉ करना शुरू करूँ इस तरीके से, चलो लेट्स मेक अ ड्रॉइंग। यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि ये वाला जो है, इसको पतला सा कर देते हैं, समझ आएगा अच्छे से। ये हम सबसे बाहर एक्टोडर्म दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? एक्टोडर्म, ठीक, एक्टोडर्म है। सबसे अंदर फिर हम क्या दिखाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक बीच में अंदर एंडोडर्म बना देते हैं। ये हमने बना दिया एंडोडर्म, राइट। और इधर इसके साथ साथ, एक्टो और एंडोडर्म के साथ साथ बेटा हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, इसको कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मेसोडर्म के पाउचेज हैं, राइट, इस तरीके से छोटे छोटे मेसोडर्म के पाउचेज हैं। यस। अब आप समझो कि मैंने इस पेंसिल को लिया और ऐसे कट कर दिया, ठीक। और अब जैसे मैंने, जैसे आप पेन लिया, आपने पेन को पकड़ा इस तरीके से, लंबा सा पेन था, आपने अब पेन को पकड़ के इस तरीके से कट कर दिया। अब आप सामने से यहाँ से देख रहे हो, समझ गए, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब क्या है इस एरिया में बेटा, यहाँ पे एक ट्यूब है, जो इस ट्यूब, ये ट्यूब यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल सीलोम से, कहाँ से? बॉडी कैविटी से क्या उठाती है? वेस्ट निकालती है, ठीक। और बॉडी कैविटी से वेस्ट निकाल के बॉडी से बाहर भेजने, और बॉडी से बाहर भेजने के लिए आपके पास क्या है? एक्सक्रीटरी पोर। आपको अब लाइन समझ आई? लाइन क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, क्लियर, थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, यानी बॉडी से बाहर निकालने एक्सक्रीटरी पोर की मदद से। अब बेटा आपको एक बढ़िया सी ना फैक्ट बताता हूँ, ये अगर मैं ऐसे यहाँ से एक लंबी सी एक्सक्रीटरी ट्यूब बनाऊँ, तो इस एक्सक्रीटरी ट्यूब के साथ ना बेटा एक एसोसिएटेड सेल है। क्या है? इस एक्सक्रीटरी ट्यूब के साथ एसोसिएटेड एक स्पेशल सेल है, और इस सेल को हम कहते हैं रेने सेल। क्या कहते हैं? रेने सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये रेने सेल के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती, बट एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि वो पूछ लेते हैं कि प्लैटीहेल मिन्थीज में आपके पास स्पेशल फ्लेम सेल्स थे, बल्ब शेप फ्लेम सेल्स थे, जिसके पास सीलिया बीट कर रहा था। फ्लेम सेल्स का नाम फ्लेम क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें सीलिया जब इस तरीके से बीट करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आग की फ्लेम्स हैं, लाइक द फ्लेम्स ऑफ द फायर, जैसी आग की लपटें हैं, समझे। यहाँ पे भी आपके पास एक स्पेशल सेल है, क्या नाम है इसका? रेने सेल। क्या? रेने सेल। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये कहता है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब इज प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल विद अ स्पेशल सेल। कौन से सेल्स हैं बेटा? रेने सेल्स, समझे। और ये जो बेटा एक्सक्रीटरी ट्यूब है, इसकी शेप कैसी है? एच शेप्ड। कैसी शेप है? एच, एच जैसे बनाए, जैसे आपको यहाँ पे लिखा ही है, एच शेप्ड इसकी सेल, राइट। अब आप बात करें एस्केल मिन्थीज की, तो एस्केल मिन्थीज किस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को यूटिलाइज करते हैं बेटा? ये अमोनोटेलिक है, प्रेडोमिनेटली इसमें एक्वेटिक फॉर्म्स अमोनोटेलिक हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी बेटा अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही ना, जैसे एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। बट आप एज अ जनरल रूल ऑफ थंब मान के चलना कि अगर आपके पास एक्वेटिक अरेंजमेंट में
एक्सेप्शन तो होंगे, लेकिन एक्वाटिक अरेंजमेंट आपके पास अगर कोई जानवर है तो वो जानवर अमोनोटेलिक होना चाहिए। डन। ओके, रेस्पिरेशन बेटा साइंटिस्ट ने खूब स्टडी किया, राउंड वर्म को काटा और देखा क्या इसके पास लंग्स हैं? नहीं। दैट मीन्स एस्कैरिस के पास लंग्स होते हैं? नो। तो ये सांस कैसे लेगा? बेटा पहली बात, एस्कैरिस आपकी इंटेस्टाइन में बैठा है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ना ऑक्सीजन नहीं जाता है। सांस लो, लंग्स में गया, यस। अब लंग्स में की जगह जाने का ऐसा तो नहीं कि तुम सांस लेते हो पेट में जाती हो, पेट से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते, नहीं ना। तो अब आपकी बॉडी की इंटेस्टाइन के अंदर सांस भेजने का कोई तो तरीका नहीं है ना कोई खास, इसलिए वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रहता है ना बेटा वो प्रीडोमिनेटली एनएरोबिक रहता है। तो एनएरोबिक एनवायरनमेंट है तो ये जो जानवर आपके सामने है ये भी एनएरोबिक होना चाहिए। जो आपके इंटेस्टाइन में एज ए एंडोपैरासाइट रह रहा है एनएरोबिक होगा, बिल्कुल। और जो कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें से बेटा जो फ्री लिविंग है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर नॉर्मल टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रह रहे हैं, वो कैसे होते हैं बेटा? वो बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास स्पेशल नहीं है, ठीक है। लोकोमोशन, अभी बेटा मैंने आपको बताया एंडोस्केलेटन, यहाँ पे इसके पास कोई भी बॉडी में स्केलेटल नहीं है, नो कार्टिलेज, नो बोन्स, नथिंग। सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करने के लिए क्या है, बॉडी वॉल में मसल्स हैं। और यहाँ पर जो बेटा इसकी ये कैविटी है, क्या है जो इसके आपको यहाँ पे ये कैविटी दिखाई दे रही है, इसको फालतू की चीज़ों को देखो इरेज करो, यहाँ पे आपको एक खाली वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है। हम इस वाइट स्पेस को क्या करते हैं, इस वाइट स्पेस को ना हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाइट स्पेस इस तरीके से ना एक स्पेसिफिक फ्लूइड से फिल्ड है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो वाइट स्पेस है, मैं आधा आधा अगर आपको यहाँ पे भर के दिखा दूँ तो ये जो दिस वाइट स्पेस शुड बी फिल्ड विद अ स्पेसिफिक फ्लूइड। इतना बात क्लियर हो रहा है? अब ये फ्लूइड कैसा है समझो, एक आप पन्नी लो, एक प्लास्टिक का बैग लो और उसके अंदर पानी भर दो, तो प्लास्टिक का बैग एक शेप में आ जाता है ना, जैसे दूध का पैकेट आता है मार्केट में, बिकॉज इट कंटेन्स द मिल्क, इट हैज अ स्पेसिफिक शेप। सिमिलरली दिस कैविटी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लूइड, इस फ्लूइड की यहाँ पे जो ये जिसकी ये फ्लूइड है बेटा, इस फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से बॉडी एक्वायर्स अ स्पेसिफिक शेप। तो दिस फ्लूइड technically water-like substance is giving the shape to the body, hence यहाँ पर हम क्या कहते हैं, hydroskeleton present है। समझे मेरी बात? Hydroskeleton क्या है? A skeleton that is giving the shape to the body, and that skeleton basically, चलो इसको ना हम थोड़ा सा और simple समझते हैं बेटा। skeleton क्या होता है? आपकी body में skeleton आपको क्या करता है, क्या आपको body को एक definite shape देता है? Yes। अगर आपकी हड्डियां ना हो, आपके शोल्डर्स ना हो, तो क्या ही शोल्डर्स है यहाँ पे? अगर शोल्डर यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये कॉलर बोन ना हो और यहाँ पे गर्डल्स ना हो, तो आपकी कैसी शेप मिलेगी? आपका हाथ तो इस तरीके से गिर जाएगा। अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर आपके पास बोन ना हो तो हाथ तो गिर जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टैंड अप। बॉडी को एग्जैक्ट शेप देने का काम स्केलेटन का होता है, बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम, सपोर्ट देने का काम स्केलेटन का होता है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे बॉडी की शेप मेंटेन करने का काम हाइड्रोस्केलेटन का है। क्यों? क्योंकि पानी की प्रेजेंस, अ वाटर लाइक सब्सटेंस विच इज फिल्ड विद इन दी सूडोसिलोम, वो बॉडी को एक डेफिनेट शेप दे रहा है। समझे? नेक्स्ट न्यूरल सिस्टम बेटा। अगर आप यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम बेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्रेन रिंग मिलती है, दैट मीन्स जो अपर एरिया है इसकी बॉडी का, वहाँ पे आपको एक सर्कुलर ब्रेन रिंग मिलती है, और यहाँ पे उस ब्रेन रिंग से निकलती हुई टू लॉन्ग कॉर्ड्स निकलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। क्वेश्चन बेटा, आप अपने आप बिना देखे नोट्स को इमेजिन करो कि एसके प्लैटीहेलमिंथस का कैसे था। प्लैटीहेलमिंथस के पास एक हेड गैंग्लिया था और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स थी, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स थी और ट्रांसवर्स कमीशियर्स थे, यस। क्या यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स कमीशियर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं। इसलिए लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, नो। अगर मैं पूछता हूँ लैडर लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ मिलेगा, कैसे बोलो? अगर कोई चीज़ लैडर लाइक होगी तो क्या वो एच शेप की होगी? क्या हमने यहाँ पे पढ़ा था? एग्जैक्टली। तो अगर इस क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना बेटा, एच शेप या लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपके पास है तो प्लैटीहेलमिंथस, एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो कौन होगा? एस्केलमिंथस। डन। और बेटा आपके पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, ठीक। ओके बेटा, नर्वस सिस्टम है तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स की प्रेजेंस भी होगी, और सेंस ऑर्गन की प्रेजेंस होगी तो ये सेंस ऑर्गन्स कैसे होते हैं? पैपिले, एम्फिड्स, फेजमिट्स, ठीक। पैपिले, एम्फिड्स एंड फेजमिट्स। बेटा ये पैपिले क्या है? ये टैंगो रिसेप्टर्स हैं।
टैंगो रिसेप्टर्स बेसिकली, जैसे हम कह सकते हैं कि टैंगो रिसेप्टर्स को आप इस तरीके से बेटर समझ सकते हैं कि समथिंग विच इज़ गिविंग द रिसेप्शन ऑफ टच एज वेल एज टेस्ट, तो उसको आप टैंगो रिसेप्टर्स कह दीजिए। कीमो रिसेप्टर्स एम्फिड्स फिलिप्स के आसपास हैं। फेजमिड्स ये भी बेटा कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट की रिसेप्शन करने के लिए आपके पास ये रिसेप्टर्स हैं, पैपिले एम्फिड्स एंड फेजमिड। इसको पाप बोल दो काम बन जाएगा, दैट मीन्स सिंपल। अरे चीज़ों को ना शॉर्ट फॉर्म में याद करने की आदत डालो, पी ए पी, पी ए पी पाप, तो इसे बता पैप पी पैपिले एम्फिड्स फेजमिड्स, समझे। बढ़ते आगे, लास्ट पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमने पढ़ लिया। डायोशियस होते हैं बेटा, डायोशियस का मतलब क्या है, मेल फीमेल अलग होंगे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या वर्ड है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो आज आपको एक वर्ड हम दोबारा सिखाते हैं, बेटा वर्ड पर फोकस करो। वर्ड का नाम है मॉर्फोलॉजी। क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेटा वर्ड, इसमें जो मेन वर्ड है ना वो है मॉर्फो। क्या, मॉर्फो। और मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, समझे। क्या चीज, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी अपीयरेंस। तो जो बेटा मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस की करते हैं ना बात, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इस केस में आपके पास एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप देखो मॉर्फोलॉजी की बात करी तो बेटा यहाँ पे वर्ड देखा आपने मॉर्फो, और मैं कहता हूँ ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म में आप अगर मेल को देखें या देखें फीमेल को, तो देखने से ही हम बता सकते हैं कि मेल कौन फीमेल कौन। ऐसी चीज़ को बेटा हम टर्म करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, समझे मेरी बात। वेरी नाइस। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी तो पढ़ चुके हैं, मुझे बताइए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के केस के अंदर मेल और फीमेल में से लॉन्गर एंड ब्रॉडर और ज़्यादा बड़ा कौन है, कौन है, फीमेल। फीमेल इज बिगर एंड द मेल इज स्मॉलर। ओके, फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल है, फीमेल बॉडी के अंदर होगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जब बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है ना, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लार्वा बनता है। और मैं आपको बता दूं, इन लार्वा के ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन आता है। इस बात को आप अपने पल्ले बांध लो, जस्ट स्टिक इट इनसाइड योर माइंड। इफ यू वर्क ऑन दीज नोट्स जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये बहुत ही कंसाइज फॉर्म में नोट्स हैं बेटा, इन नोट्स को याद करना और अपने दिमाग में बिठाना बहुत आसान है। अगर आपने यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें कर ली, तो मार्केट का आपको कोई भी कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से कुछ भी आ रहा है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इसको इतना पढ़िए, इसके बेसिस पर आप आराम से अपना नीट निकाल देंगे, क्योंकि नीट में यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, समझिए मेरी बात। यस, लार्वा बेटा हुक वॉर्म एनकाइलोस्टोमा, उसके पास फिलारी फॉर्म लार्वा है। फिलेरिया फिलारियल फॉर्म माइक्रोफिलारी। एस्कैरिस रैबडिटी फॉर्म। ये आपके पास ऑर्गेनिज्म और उसके डेफिनेट लार्वा है, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो पढ़ लिया बेटा जी हम लोगों ने, फिजियोलॉजी अच्छे से समझ आ गया। इसके साथ साथ हमने जनरल फीचर्स पढ़ा और उसके साथ साथ हमने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ और पॉइंट्स सीखते हैं हम, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। ये पैराग्राफ, ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल एंड द फीमेल कैन बी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश्ड। मैंने आपको बताया ना मॉर्फिज्म, ये मॉर्फी वर्ड यहाँ पे एम ओ आर पी एच है, ये वर्ड बेसिकली मॉर्फोलॉजी से आया ना, मॉर्फ। मॉर्फ मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे देखने के बाद आप बता सकते हैं कौन है मेल कौन है फीमेल। लेकिन देखो इस डायग्राम में बेटा, अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ, यहाँ पे ये आपके पास जो है वो है भैया मेल भैया है, और ये कौन है, यहाँ पे आपके पास फीमेल दीदी। देखो बेटा ये देखने में इन दोनों में से मोटा कौन है, इन दोनों में से ज़्यादा फैट कौन है, तो ये अपनी को, ये फीमेल का से मोटी हुई ना। तो याद रखना है एस्केल्मिंथीज की जो एस्कैरिस होती है वो मोटी होती है, मेल पतला होता है, पतला सा, एकदम एकदम पतला सा, राइट। ओके, इस स्ट्रक्चर में बच्चे एक और चीज़, यहाँ तो अपने को लार्जर और ब्रॉडर तो समझ आता है कि ये वर्ड मेल स्मॉलर समझ आता है ऑल्सो। यहाँ पर आप देखो क्या इसका ये एंटीरियर पोर्शन है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, बड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये कन्फ्यूजन रहती है आप अक्सर बच्चों को। मैं इसको कहता हूँ एंटीरियर एंड, इसका ये एंटीरियर एंड है, इसका ये एंटीरियर एंड है, ठीक है।
अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंड, ये इसका पोस्टीरियर एंड है और इसका ये पोस्टीरियर एंड है। बताओ किसका पोस्टीरियर एंड कर्व्ड है? यहाँ पे इसका पोस्टीरियर एंड सीधा है, बट यहाँ पे इसका पोस्टीरियर एंड इस तरीके से कर्व हुआ कि नहीं हुआ, समझे मेरी बात? तो अगर बेटा यहाँ पर मैं तुम्हें फैक्ट समझाऊँ, ये आप अगर मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल और फीमेल की अगर बात करते हैं, तो मेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है, फीमेल का पोस्टीरियर एंड कैसा होता है? सीधा होता है। ओके अब वर्ड बोलता हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान से वर्ड सुनना, द वर्ड इज पीनिस। क्या? पीनिस। ये पीनिस मेल के पास होता है फीमेल के पास? इट्स नॉट पेनिस, इट इज पीनिस। पीनिस इज फाउंड इन मेल और फीमेल? यस ऑब्वियस, दैट इज फाउंड इन मेल्स। तो बेटा यहाँ पे पीनिस से वर्ड डेवलप हो रहा है पिनियल सिटी। क्या? पिनियल सिटी। तो पीनिस जैसा स्ट्रक्चर ये बन रहा है अपने पास, कौन सा? पिनियल सिटी, समझे मेरी बात? तो इस बात को हम अच्छे से साफ क्लियर करते हैं। यहाँ पे जो आपको ये पिनियल सिटी दिख रहा है, दैट इज फाउंड इन द केस ऑफ मेल, मेल के केस में मिला, मेल के पास पिनियल सिटी है, पोस्टीरियर एंड कर्व्ड है और मेल कैसा है? स्मॉलर। याद हुआ? डायग्राम से याद हो गया तो लिखना बहुत आसान। अब मेल स्मॉल एंड स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, फीमेल इज लॉन्ग एंड ब्रॉड, मेल के पास पीनियल सिटी होगा जो पीनिस के जैसे काम है और फीमेल के पास ऐसा कुछ नहीं है, मेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड है और फीमेल का पोस्टीरियर एंड इज नॉर्मल, इट इज स्ट्रेट। सिंपल, समझ आया? अब यहाँ पे समझो मेल में होता है क्लोका, तो मेल का यूरिनल, एक्सक्रीटरी, जेनाइटल एंड डाइजेस्टिव, ये तीनों ओपनिंग्स कॉमन चेंबर में ओपन होती हैं और उस कॉमन चेंबर को हमने क्या टर्म किया बेटा जी? क्लोका। और फीमेल में ऐसी कोई चीज नहीं होती, समझे मेरी बात अच्छे से? तो मेल के अंदर क्लोका की प्रेजेंस है बट फीमेल में क्लोका की प्रेजेंस नहीं है। और क्लोका द्वारा पूछूं तो क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ओपनिंग अगर कॉमन हो तो उसको हम टर्म करते हैं क्या? क्लोका। तो मेल में है क्लोका? यस। फीमेल में है? नहीं। तो इस डायग्राम से बोलो बेटा पिनियल सिटी किसमें है? मेल में। पोस्टीरियर एंड कर्व्ड किसका? मेल का। पतला कौन है? मेल। क्लोका किसके पास है? मेल। और इसका उल्टा अपोजिट कौन है? फीमेल। ठीक, यहां तक तो बेटा ये टोटल कंटेंट था जो आपसे पूछा जाएगा। लास्ट वाला चीज देख लेते हैं, अस्कैरिस, कॉमन नेम इसका राउंड वर्म है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, लार्वा इसका रैबिडिटी फॉर्म लार्वा है, ठीक याद रखिएगा बेटा। एनकाइलोस्टोमा हुकवॉर्म, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, वुचरेरिया फिलेरियल फॉर्म है, विविपेरस कंडीशन शो करता है, याद रखना, नहीं भी याद रखोगे तो चल पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कम ही आता है इसके पास। अब वुचरेरिया की बात करी गई है बेटा, ये कंडीशन, अब ये सारी की सारी बातें वुचरेरिया को लेके आप प्लस टू में पढ़ेंगे, ये प्लस टू का पार्ट है, फिर भी आप इसको ध्यान रखिए। डाइजेनेटिक क्या मतलब होता है? जिसको दो 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 होस्ट चाहिए, एक प्राइमरी होस्ट एक सेकेंडरी होस्ट। और क्वेश्चन में पूछूं कौन सा ऐसा होस्ट है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसमें? प्राइमरी होस्ट। तो बेटा यहाँ पे डाइजेनेटिक पैरासाइट है वुचरेरिया, ओके, और ये क्या डिसीज करता है? फिलेरियासिस एंड लिफेंटियासिस, याद रखना है, नीट का पेपर बेटा प्लस टू के बाद होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे अगर प्लस टू से रिलेटेड कोई फैक्ट है, अगर आप इसको यहीं याद कर लोगे तो एक तो प्लस टू में बेनिफिट होगा, और दूसरी बात सिंपल सी बात है, नीट फाइनल देना है तो भूल जाओ कि आपको कोई प्लस टू की बात है, कोई प्लस टू की कंटेंट है, प्लस वन का कंटेंट है। अगर जहाँ पे कोई कॉमन चीज़ आ रही है उसको यहीं का यहीं याद कर लो, आपके लिए बहुत आपका काम आधा हो जाएगा, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, जितना भी याद कर सकते कर डालो। डाइजेनेटिक पैरासाइट है फिलेरियासिस एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस होता क्या है? इसमें वुचरेरिया, अगर समझो आपकी बॉडी में वुचरेरिया अगर आ जाए ना बेटा, तो ये बॉडी में लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके बैठ जाएगा, और जो इंसान का शरीर का पैर होता है ना, जैसे आपकी बॉडी का पैर है नॉर्मल है, अब वो पैर स्वेल हो गया ऐसा दिखेगा जैसे हाथी का पैर होता है, एकदम इस तरह से मोटा हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं एलिफेंटियासिस। कैरियर होस्ट बेटा, इसकी एक मॉस्किटो, एक स्पेशल मॉस्किटो होता है, उसको क्यूलेक्स मॉस्किटो कहते हैं, वो इस पैरासाइट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म लेके जाता है, जैसे बोलो मलेरिया, मलेरिया आपको एक डिसीज कॉज करने वाला प्रोटोजोआ है, वो आपके शरीर में आता है और कौन लेके आता है? मच्छर लेके आता है ना, उसी तरीके से वुचरेरिया को भी मच्छर ही लेके आता है, मच्छर का नाम क्या है? क्यूलेक्स। एडल्ट्स के अंदर इन्फेक्ट होता है और बेसिकली लिम्फ वेसल इन्फेक्ट हो जाते हैं, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड मैंने आपको अभी भी बताया, इन्फेक्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है? लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड बेटा अगर इफेक्ट होंगे और इसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ फुट लेग्स, बेसिकली लिख देना चाहिए, समझे? डन।
फिर नेक्स्ट बेटा आपको ये इन पे क्वेश्चन ज़रा कम है, यहाँ पे इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फेरी सरपेंट भी लाम कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ड्रैकनक्यूलस गिनी वॉर्म कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन आता है, मदीना वॉर्म ये भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पर। नेक्स्ट बोला एंटोरोबियस पिन वॉर्म, सीट वॉर्म लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, बेसिकली अगर आप डर्टी टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो एंटेरोबियस मिल सकता है। ट्राइक्यूरस विप वॉर्म, रैबडिटिस एक ऐसा फ्री लिविंग नेमाटोड होता है, ट्राइकिनेला नाम याद रखना, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है और मसल्स के अंदर जाके बैठ जाता है, समझे। तो ये बेटा सारी की सारी गेम जो अभी आपने देखी ये थी एस्केल्मिन्थीस की। एस्केल्मिन्थीस को दोबारा अब आपके पास एक नया होमवर्क आ गया, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, याद रखना मेरी बात, खूब मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। पहली बात, पूरे कंट्री में नीट का सिलेक्शन रेशियो 1-2% के बीच में आता है, यानी ओनली 1-2% लोग सेलेक्ट होते हैं नीट में, तो ये गेम आसान नहीं है। क्वेश्चंस चाहे जेई और नीट, ये जो जेई वाले लोग होते हैं नॉन मेडिकल वाले, इनके मुताबिक क्वेश्चंस आसान हो, लेकिन इतने लोग टेस्ट देते हैं, इतने ज़्यादा लोग टेस्ट देते हैं कि कम लोग सेलेक्ट होते हैं, सीट मेडिकल की बहुत कम। तो बेटा कसर कमी कुछ नहीं छोड़नी, खूब दबा के मेहनत करनी है, समझे मेरी बात। लास्ट चीज़ मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर मैं मुझे कुछ लगेगा एक्स्ट्रा है तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं। यहाँ पे पहला फैक्ट, दे आर नोन टू एग्जिबिट यूटिली। यूटिली आपके पास एक ऐसा कंडीशन होती है जहाँ पर बॉडी में फिक्स नंबर ऑफ सेल्स हैं, जैसे मैं अभी बोलूँ आपके शरीर में आज जितने सेल्स हैं उतने ही रहेंगे पूरी जीवन भर जब तक मर नहीं जाते, तो इस कंडीशन को हम क्या टर्म करते हैं, यूटिली। ये क्वेश्चन आने के चांस नेग्लिजिबल होते हैं, फिर भी इनसे एक बार इनको अपनी आंखों से गुजार लेना अच्छी समझदारी होती है। दूसरा बेटा एस्कैरिस की बात कर रखी है, एस्कैरिस की पैरासिटिक अडेप्टेशन आपको यहाँ पे बता रखी है कि एस्कैरिस के अंदर पैरासिटिक अडेप्टेशन क्या है और एस्कैरिस की लाइफ साइकिल क्या है, फिर वुचेरेरिया पेनक्रॉफ्टाई के बारे में बता रखा है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, फिर एनकाइलोस्टोमा के बारे में बता रखा है। अगर इन तीनों में से किसी पे क्वेश्चन अगर आ भी गया, रेयर चांस में क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन बेटा एस्कैरिस से आएगा, वुचेरेरिया और यहाँ पर इन दोनों की लाइफ हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इंटरेस्ट हुआ, शौक चढ़ा आपको, तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज आप इसको साइड में रख सकते हैं, कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जरूरत लगी तो यहाँ से अपने नोट्स उठा के पढ़ लीजिएगा, राइट। इसके साथ साथ बेटा आज का लेक्चर फिनिश ऑफ करते हैं, आपको समझ तो आ ही गया इस लेक्चर को, मैं आपको दोबारा बोल दूँ, इस लेक्चर में बेटा अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये काम हो गया तो आप नीट फोड़ दोगे, तो जाओ फोड़ो।